इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज के बीच पहला ओडीआई मुकाबला ब्रिजटाउन बारबाडोस में खेला गया। इस मुकाबले में संजू सैमसन को टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में नहीं चुना गया। उनकी जगह पर विकेटकीपर के तौर पर ईशान किशन को तो वहीं मध्य क्रम की जिम्मेदारी संभालने के लिए सूर्य कुमार यादव को चुना गया। सभी की उम्मीदें थी कि संजू सैमसन को वेस्टइंडीज दौरे पर T20 ODIs इन दोनों में तो पूरे पूरे मैच खेलने का मौका मिलेगा, लेकिन जैसे ही वनडे की शुरुआत हुई तो इसके पहले ODI मुकाबले से ही संजू सैमसन को बाहर का रास्ता दिखाया गया। संजू सैमसन को प्लेइंग 11 में जगह नहीं मिली। इसके बाद तो फैंस का गुस्सा फूटा, तरह तरह के कमेंट्स, तरह तरह की प्रतिक्रियाएं संजू सैमसन के फैंस ने ट्विटर पर दी। लेकिन अब बड़ी बात यह है कि आखिर संजू सैमसन को मौका क्यों नहीं मिलता है? क्या वो बल्लेबाज अच्छे नहीं हैं? क्या वो इंडिया के लिए चेज नहीं कर सकते? क्या वो टीम इंडिया के लिए बड़ी पारी नहीं खेल सकते? सारे गुण संजू सैमसन में हैं। वो विकेट कीपर अच्छे होने के साथ साथ लाजवाब फील्डर भी हैं, जिसकी छवि उन्होंने समय समय पर टीम इंडिया को दी है। लेकिन संजू सैमसन का टीम इंडिया में ना होने की कई वजह है। पहली वजह जान लेते हैं। आपको बता दें कि ईशान किशन टीम इंडिया के लिए तीनों प्रारूपों में बेहतर कर रहे हैं। हालांकि पिछले कुछ समय से उनका ODI और T20 में आंकड़ा अच्छा नहीं है, लेकिन वो अब भारत के लिए तीनों प्रारूप खेल रहे हैं। ईशान किशन विस्फोटक बल्लेबाज हैं। ईशान किशन वक्त आने पर टीम इंडिया के लिए सलामी बल्लेबाज भी हो जाते हैं और मध्यक्रम पर बल्लेबाजी भी कर लेते हैं। एक तो वो विस्फोटक बल्लेबाज है, ऊपर से वो बाएँ हाथ के बल्लेबाज भी हैं। टीम इंडिया में बाएँ हाथ के इस वक्त काफ़ी कम बल्लेबाज हैं, इसलिए उन्हें पहली प्राथमिकता दी जाती है। वहीं अगर सूर्य कुमार यादव की बात करें तो वो पहले ही मिडल ऑर्डर में अपनी जगह बना चुके हैं। वो बात अलग है कि सूर्य कुमार यादव ने ODI क्रिकेट की आखिरी 12 पारियों में सिर्फ 112 रन बनाए हैं। आपको बता दें कि सूर्य कुमार यादव की छवि इस वक्त एक लाजवाब बल्लेबाज की है, जो उन्होंने T20 में कोहराम मचाया है। उनसे लगातार वनडे में भी उसी बल्लेबाजी की उम्मीद की जा रही है। लेकिन अब यहाँ पर बात यह आ जाती है कि सूर्य कुमार यादव जो लगातार फ्लॉप हो रहे हैं, जिनके बल्ले से रन नहीं निकल रहे हैं, फिर क्यों उन्हें लगातार प्राथमिकता दी जाती है और संजू को जगह नहीं दी जाती है? इसका जवाब है T20 क्रिकेट। T20 क्रिकेट में उनके नाम 3 शतक हैं, वहीं जब वनडे की बात आती है तो बल्लेबाज फ्लॉप हो जाते हैं। लेकिन क्योंकि भरोसा रोहित शर्मा का सूर्य कुमार यादव पर ज़्यादा है, और साथ ही साथ सूर्य कुमार यादव स्पिन गेंदबाजी बहुत अच्छे से खेल सकते हैं और आने वाला विश्व कप इंडिया में होना है, इसलिए सूर्य कुमार यादव को तैयार किया जा रहा है। बड़ी वजह यह भी है कि संजू सैमसन को विश्व कप की रेस में नहीं देखा जा रहा है, इसलिए उनको पहली प्राथमिकता नहीं मिल पाती है। लेकिन ये तो अन्याय है। जो बल्लेबाज पिछले काफ़ी समय से अच्छे फॉर्म में हो, जिसने आखिरी 7 ODI पारियों में 218 रन बनाए हों, उसे अगर मौका ना मिले तो फिर ये गलत बात होती है। बहरहाल दूसरे वनडे और तीसरे में क्या संजू सैमसन को टीम इंडिया में मौका मिल पाएगा, ये बड़ा सवाल है। लेकिन अगर आपको वीडियो और ये जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और Facebook पर हमें लाइक एंड फॉलो करें।